दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और उनके घर से 133 सोने के सिक्के और बिस्किट और 3 करोड़ की नकदी बरामद होती है। अभी तो अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमने तो सत्येंद्र जैन के सारे पेपर चेक कर लिए, उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे दिया था और उनको यहां तक कह दिया था कि सत्येंद्र जैन को तो ईमानदारी के लिए पद्मश्री मिलना चाहिए। अब केजरीवाल जी क्या जवाब देंगे बताइए? केजरीवाल जी आपके पास क्या जवाब है? केजरीवाल जी आप जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे पर राजनीतिकरण कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन को पद्मश्री नहीं परम भ्रष्ट का अवार्ड मिलना चाहिए। और आप बताइए आपका कितना हिस्सा है इसमें जो आप सत्येंद्र जैन की तरफदारी करके उनकी वकालत कर रहे हो। सत्येंद्र जैन को ने पहले ही 16,39,00,000 रुपए के काले धन और बेनामी संपत्तियों का स्वीकार किया है और इसी आधार पर वो जेल में गए और जब उनके इशारे पर उन्हीं के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है तो आपको दर्द हो रहा है। आपको अगर ईमानदार राजनीति आप कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो आप तो सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करना चाहिए। इस मुद्दे पर आप राजनीति करना बंद कीजिए और अगर आपके अंदर हिम्मत है ईमानदारी की तो आप सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करिए और आप कहिए अगर आप ईमानदार हैं तो आपको धैर्य आना चाहिए। इस तरह से आप जो राजनीतिकरण कर रहे हैं ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से आज बड़ी मात्रा के अंदर कैश और बड़ी मात्रा में गोल्ड बरामद हुआ है सत्येंद्र जैन के खासम खास के यहां से ईडी के द्वारा। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि सत्येंद्र जैन का जो कनेक्शन है हवाला कारोबारी के जरिए वो सच है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैंने सारे पेपर देख लिए हैं और ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन को बांटा है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में सिर्फ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है और जो सर्टिफिकेट ईमानदारी का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल जी ने बांटा है वो झूठा है। और हमारा पूरा आरोप है कि सत्येंद्र जैन के जो तार है भ्रष्टाचार के वो सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय तक जुड़ते हैं और हमारी मांग है कि ईडी अब न सिर्फ सत्येंद्र जैन के यहाँ पे बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय पे भी अब इंक्वायरी करें, क्योंकि बहुत सारे पेपर जो मुझे लगता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब ने खुद कहा कि मैंने पेपर जांच लिए हैं और मैं ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहा हूं सत्येंद्र जैन को, तो इस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी उसमें हो सकती है। इसलिए ईडी से मांग है कि कृपा करके आप सत्येंद्र जैन के साथ साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर भी छापा मारकर रिकवरी करने की कोशिश करें।